ठीक है तो स्टार्ट करते हम लोग। माइक ऑन हो गया। हाँ स्टार्ट ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर पढ़े थे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, नहीं क्या पढ़े हम लोगों ने? प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ठीक है अब इसमें बात करते हैं, पूरे 5 क्वेश्चन थे इस चैप्टर से। ठीक है और क्वेश्चन क्या क्या थे मैं आपको बता रहा हूँ और इसका आंसर आप ही लोग बताइएगा। ठीक है ध्यान सुनते जाइए और बताते जाइए। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया इसमें वो क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रिलेटेड कौन सी बात इसमें सही नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया करिए पहला काम ये कर लिया करिए, जो लिखा है नॉट ट्रू उसको सर्कल कर लिया करिए, है ना, क्योंकि हमारी आदत होती है सही चेक करने की, मतलब उसमें नॉट ट्रू दिया नीचे के सही आया आप डाल चल गए, जैसे भी गड़बड़ियाँ होती है। जैसे पहला ऑप्शन दिया ध्यान सुनना, इसमें आपको पता करना है कौन सा इसमें गलत है। ठीक है द प्रोसेस ऑफ और कौन सा सही चेक करना ये आसान होता है, रदर देन कि हम कौन सा गलत है ना, कौन सा सही करने की हैबिट होती है हमारी, लेकिन ये यहाँ पता करना है कौन सा गलत है वो मुश्किल क्वेश्चन हो जाता है। कि द प्रोसेस ऑफ स्टेशन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूशन। सही गलत है? बिल्कुल सही है। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट आर स्ट्रैंड बाय यूजिंग इथिडियम ब्रोमाइड। सही गलत है? सही है। The presence of chromogenic substrate give blue color DNA bands on the gel. Presence of chromogenic substance give blue color DNA band on the gel. जो chromogenic substrate होता है वो blue color देता है। सही है गलत है? ये sentence गलत है? कैसे गलत है? क्या सही गलत है? अरे बच्चे सही है, गलत नहीं है, लेकिन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड ये गलत है। माया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्रोसेस नहीं होता, लेकिन जो सेंटेंस लिखा है सही है कि जो क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट होता है ठीक है वो ब्लू कलर की कॉलोनी बनाता है, बात सही। अल्टरनेट स्टेट पर मार्कर बताया था, ये प्रोसेस किसका है? सेलेक्टेबल मार्कर का है, लेकिन हमको बताना किसके बारे में है, इलेक्ट्रोफोरेसिस रिकॉर्डिंग बनाते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस रिकॉर्डिंग क्या हो गया? गलत हो गया। माया ना, तो ऐसे भी आपको दे सकते हैं कि सेंटेंस सही होगा लेकिन इसके रिकॉर्डिंग जो है वो गलत हो जाएगा। कुछ माया सेंटेंस सही है कि क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट क्या देते हैं? ब्लू कलर कॉलोनी बनाते हैं, बिल्कुल बात सही है। और लास्ट जाहिर सी बात आंसर पता चल गया होगा आपको, उसके बाद क्या पूछने वाले समझ में आ गया होगा। ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व इन द जेल व्हेन एक्सपोज्ड टू अल्ट्रावायलेट। सही गलत है? उसमें क्वेश्चन था क्या है? सही था ना? कोई दिक्कत? ठीक है चलो, एक क्वेश्चन तो ये था, बहुत मुश्किल नहीं था ये, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ। ठीक है 2022 भी दिखा दूंगा और 2021 भी आपको दिखा देंगे। ठीक अगला हमारे पास क्वेश्चन था कि इन द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेसिस सीक्वेंस ऑफ डीएनए, जिसको मैंने इंपॉर्टेंट टिक कराया था याद है, और विच वन कैन कट इजिली बाय पार्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको आसानी से ये काट सकता है। ठीक है कई सारे इसमें दिए गए हैं और आपको मैंने एक चीज बताई थी कि आपको याद करना किससे 5G और सीक्वेंस रहेगा गेट सी, किससे गेट सी। मैं इसको पूरा कर दूं पहले, एप्लीकेशन कहाँ गया? हाँ ये लेक्चर एमटीजी से स्पॉन्सरशिप है। ठीक है देखो यहाँ पे एमटीजी का थोड़ा सा देखो, तो मतलब ये इसमें कई सारे दिए गए हैं, इसमें कई सारे उल्टे सीधे करके दिए गए, मैंने क्या बताया देखो 5' ये, और क्या बताया था हमने 5G, यानी जी से सबल कर डबल ए डबल टी सी, यहाँ कौन सेंड है देखो, ये तो इसमें भी गड़बड़ किया है और इसमें भी गड़बड़ किया है, 3 इधर कर दिया 5 इधर कर दिया है,
3G नहीं है, जमाना किस चीज का है, 5G का। यहाँ देखो अब सेम उल्टा कर लेना, यहाँ पे यहाँ देखो क्या लिखा है, GAA ठीक है, TT और यहाँ पे सी, यहाँ 3D, यहाँ क्या जाएगा 5', यहाँ क्या जाएगा, यही क्या है सही है, यही छाटना था मैं। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार आया है, मैं आपको बताता हूँ कब कब आया। देखो बच्चे ये आया 2020 में ठीक है, उसके बाद ये आया, हम आ गया 2012 में, ये आया 2010 में ठीक है, मेरा मतलब ये कई बार रिपीट किया गया, मैं कुछ नया क्वेश्चन नहीं है जानकारी के लिए मैं ये बता दूं सिर्फ। और 2011 में भी आया, 2011 में भी आया, 2012 में भी आया, 2010 में भी आया ठीक है, ये चीज है। उसके बाद ये 2020 में आया, उसके बाद आ गया 2022 में, क्या मतलब समय आया कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं ठीक, ये चीजें क्योंकि कुछ बना नहीं सकता ना, हमने क्या बताया बार बार कुछ जगह हुए जहां क्वेश्चन बनते हैं, और 2023 में आपको हो सकता है ये मिल जाए, क्योंकि 11 के बाद 12 में आया है, तो अब 20 के बाद कहाँ आया डायरेक्ट 22 में, अब क्या आएगा 23 में, तो 23 में क्वेश्चन आ सकता है। और बस सिंपल सी है, और ऑप्शन पर ध्यान रखिए, ध्यान नहीं देंगे कि पूरा आपको याद होना चाहिए कि 5 तरफ जी में से क्या होता है, 5G से याद करेगा, और 3 तरफ सी है, सेकंड से पूरा याद करना चाहिए इसको। आप हिंदी में याद करना चाहे तो ऐसे याद कर सकते हो, इसमें सेकंड लिखा हुआ है ऐसे, ऐसे याद कर सकते हो ठीक है, तो आपको सीक्वेंस याद, GAA TT ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये था, अब तीसरा सुनो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट असर्शन रीजन वाले हैं, रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियो रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू डीएनए नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, सही बोलो। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है एक पार्टिकुलर साइट खोजता है ना, वहीं से काटता है, रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियो कट द डीएनए स्ट्रैंड ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, सही गलत है, दोनों सही है, पार्टिकुलर साइट खोजता है और सेंटर से थोड़ा सा हट के काटता है, और इस बार आएगा कहाँ से, किसके किसके बीच से, ए और टी के, जी और सी के, क्या बताओगे, जी और ए के बीच से, माया ये भी पूछ सकता है, और दोनों स्टैंड काटता है कि एक ही स्टैंड काटता है, दोनों काटता है, ऊपर से भी और नीचे से भी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, कोई दिक्कत। ये था हमारा कौन सा तीसरा क्वेश्चन, अब चौथा सुनो, चौथा ध्यान सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल फीचर ऑफ ए क्लोनिंग वेक्टर, कौन सा क्लोनिंग वेक्टर का डिजायरेबल फीचर नहीं होता है ठीक है। PBR 322 जब बता रहे थे तो उसके बारे में आपको पहले ओरी साइड बताया था, फिर क्लोनिंग वेक्टर के फीचर बताए थे, उसके बाद फिर हमारा, उसके बाद हमने क्या नाम कौन बताया था, अल्टरनेट नेटवर्क मार्क के बारे में बताया था। खैर देखो, करेक्ट प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन ये क्लोनिंग वेक्टर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ओरी साइड है तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ओरी साइड है ना, सही गलत है, ये सही है, प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन मतलब सेलेक्टेबल मार्कर की बात कर रहा है, होना चाहिए उसे जी, होना चाहिए। PBR 322 में कितने थे सेलेक्टेबल मार्कर, दो थे, MPCL रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, दो थे, तो सही है। करेक्ट प्रेजेंस ऑफ सिंगल, छाटना क्या यार इसमें, नॉट खन ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, और सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट होना चाहिए, सही बात है गलत है, एक ही जगह पे काटना चाहिए, यानी कहीं से भी काट दे, सही गलत है ये, बोलो एक ही जगह तो काटेगा जी, और ए के बीच से तो काटेगा, कहीं से काट देगा, एक ही जगह से काटेगा, चाहे ऊपर से काटे चाहे नीचे से काटे, काटेगा जी और ए के बीच से, तो कैसा हो गया सिंगल रिकॉग्निशन साइट, क्लियर है। दूसरी बात सुनो, प्रेजेंस ऑफ टू और मोर रिकॉग्निशन साइट, दो या दो से ज्यादा जो है रिकॉग्निशन साइट होने चाहिए, हमने क्या बताया जब दो या दो से ज्यादा होते हैं वो कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, इस रस्सी वाला एग्जाम्पल दिया है कि बहुत सारी रस्सियां उसमें गांठें बहुत सारी है तो क्या हो जाएगा वो कमजोर हो जाएगा, सुनाया, जितनी कम गांठें होंगी या गांठ ना हो तो सबसे मजबूत होगा, सुनाया, तो क्या बताया था वहां पे वन होना चाहिए, कितने सिंगल रिकॉग्निशन सीक्वेंस को प्रायोरिटी दी जाती है, ये सबसे बेटर माना जाता है, क्लियर हुआ। यहाँ क्या कह रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ टू आर मोर रिकॉग्नाइज, यानी दो या दो से ज्यादा होना चाहिए जबकि दो से कम होना चाहिए, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी की लाइन में, जहाँ क्लोनिंग वेक्टर लिखा है वहां लिखा हुआ। कितने क्वेश्चन हो गए बच्चे, चार हुए ना, पांच, पांच हो गए ना,
एक दो तीन, हाँ चार हो गए, ठीक है, ये चार क्वेश्चन हो गए। हाँ बच्चे ब्लैंटिंग 2016 में ना वो करवाएंगे बाद, अभी बता रहे लेटेस्ट में जो क्या चल रहा है वो बता रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन जो 2021 में पूछा गया था, देखो, डीएनए स्ट्रैंड ऑन ए जेल स्टैंड विद इथिडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यूड अंडर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अपीयर्स एज ब्राइट ब्लू बैंड, येलो बैंड, ब्राइट ऑरेंज बैंड, डार्क रेड बैंड, कैसे दिखाई देगा? ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और आया 2021 में ही, देख लो देख लो, 2021 में एक क्वेश्चन और आया कि प्लाज्मिड है पीबीआर 322, क्या प्लाज्मिड है पीबीआर 322 की बात कर रहा है, एज पीएसटी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो हमने बताया था पीएसटी पीयू फर्स्ट पीयू सेकंड, ठीक है, और बैम एच वन सेल वन इको आर वन क्ले फर्स्ट इन थर्ड, ये सब क्या थे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम थे। क्या थे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखो पीएसटी फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट विद इन जीन एमपीसी रिस्ट्रिक्शन जीन पे होता है, पता ही आपको कितने होते हैं, दो होते हैं, बताया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पीएसटी फर्स्ट और पीएसटी पीयू वन, पीयू सेकंड कहां था? वो रोप साइट पे, कहां पे? रोप साइट पे था, ऊपर नहीं, रोप साइट पे, ऊपर दो थे इको आर वन क्ले फर्स्ट और हिंद थर्ड, सेकंड नहीं थर्ड, ठीक है। क्या क्या कह रहे, देखो यहां पे, इफ दिस एंजाइम इज यूज्ड टू इंसर्टिंग ए जीन फॉर बीटा ग्लाइकोसाइडेस, माया यानी बीटा ग्लाइकोसाइडेस को कोड करने वाला कौन सा जीन है, पहली बार बताओ, है डेड जीन, कौन सा जीन, कहने की वो मान लो इसी साइड पे इंजर्ट कर दे, किस साइड पे, एमपीसी रेजिस्टेंस जीन के पीएसटी साइड पे, तो जाहिर सी बात कौन सी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, एमपीसी वाली प्रॉपर्टी रहेगी, खत्म हो जाएगी, माया इसका मतलब जब एमपीसी में रखोगे सर्वाइव नहीं कर पाएगी, इतनी सी छोटी सी बात है, और क्वेश्चन अगर आप पढ़ने लगो तो आपको बुखार हो जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है घुमा फिरा के, अगर आप इतना पकड़ लिया है तो भी बहुत है। देखो प्रोडक्शन एंड द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इंजेक्टेड इन ई कोलाई स्टेटिन, देखो इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस नोवल प्रोटीन विद ड्यूअल एबिलिटी, कह रहे ये नोवल प्रोटीन बनाएगा, इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एमपीसी रेजिस्टेंस जीन ऑन द होस्ट सेल, एमपीसी रेजिस्टेंस जीन आपके पास नहीं रहेगा, सही बात है गलत है, सही है गलत है, सही बात हो ना, अब इसके पास एमपीसी ने रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी खत्म हो गई, क्यों, क्योंकि बीटा ग्लाइकोसाइड जो कोड करता था वो जीन लाके आपने चिपका दिया, कहां पे, पीएसटी फर्स्ट साइट पे, इसमें चिपका दिया, एमपीसी प्रॉपर्टी क्या हो गई, खत्म हो गई, कोई दिक्कत, ये आंसर हो गया खत्म, ठीक है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन दिए हैं वो सब आसान टाइप के, 2020 में एक ये वाला क्वेश्चन बताया था अभी, फिर से रिपीट किया गया, ठीक है, तो इसलिए बात जहाँ पे इम्पोर्टेंट करते हैं हॉट स्पॉट करते हैं उसको लिखिए, मैं हॉट स्पॉट भी इसको कराया, इसमें इस क्वेश्चन बनता ही बनता है, हो सकता है इस बार 2020 में फिर से मिल जाए, और सब क्वेश्चन क्लियर होगा तो आपको दिक्कत नहीं, अदरवाइज छोटे छोटे क्वेश्चन में इसको बच्चे देखते मान टिक कर देंगे उसमें आप गड़बड़ कर जाओगे, ये गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि रिपीटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो मैंने अभी लेटेस्ट बताया, उसके बाद अभी जो उस पे आया था अगले जो चैप्टर जो पढ़ाने वाले तो मैंने पढ़ाया नहीं अभी, तो उससे हम नहीं पूछेंगे, अब ये खत्म हो गया, मैंने अच्छा इवोल्यूशन में बात कर लेते हैं, है ना, इवोल्यूशन ज्यादा एक या दो क्वेश्चन थे उसको भी देख लेते हैं हम लोग, जो इस साल का था मैं उसकी बात कर रहा हूं, हाँ क्वेश्चन बताओ, नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक करेक्टर, किसी एक खास करेक्टर तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, हमने कहता है बीचों बीच में कैसे होते हैं मीडियम साइज के लोग, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट पे क्या होंगे सबसे छोटे तबके के लोग और राइट साइड पे सबसे बड़े तबके के लोग, माया, और नेचर किसको सर्वाइव करता है जो मीडियम साइज के लोग होते हैं, माया क्या कह रहे, देखो नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक करेक्टर, किसी खास करेक्टर तरफ शिफ्ट हो जाए, खास करेक्टर मतलब या तो बहुत छोटा हो या तो बहुत ही बड़ा हो, तो किसमें जाएगा ये डायरेक्शनल, किसमें जाएगा डायरेक्शनल, कुछ किधर जाएगा डायरेक्शनल, एक क्वेश्चन था आसान था, ठीक है, और एक हार्डी बिरमिन प्रिंसिपल पे भी था क्वेश्चन, ये इस बार नहीं आया, बस एक ही क्वेश्चन था इसमें, इसमें और क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन थे,
आरडी बिन प्रिंसिपल पे थे। आपको क्वेश्चन में इसके बाद फटाफट क्वेश्चन भी करा दूंगा, आई होप जो सोचने के साथ ही साथ करा दूं। एक क्वेश्चन और आया था देखो इधर, क्वेश्चन क्या था और बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था, देखो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू, से बताना कौन सा ट्रू नहीं है। एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्टेंट कन्वर्जन इवोल्यूशन, सही है गलत है? एनालॉगस स्ट्रक्चर कन्वर्जन इवोल्यूशन शो करते हैं? अरे भाई एचडी बताया था, होमोलॉगस डाइवर्जन शो करेगा तो एनालॉगस कन्वर्जन शो करेगा, तो सही है ना, ये नहीं खत्म करना है। स्वीट पोटेटो एंड पोटेटो एग्जाम्पल आप एनालॉगस, सही है गलत है? बिल्कुल सही है। होमोलॉगी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, होमोलॉगस आर्गन होते हैं उनकी ओरिजिन सेम होती है, सही है। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर ए पेयर ऑफ होमोलॉगस आर्गन, कैसे होते हैं एनालॉगस आर्गन? फ्लिपर अलग एक बर्ड्स होता है, एक दूसरा मैमल्स होता है। मैं ये गलत हो, और ये ऐसा नहीं कि पहली बार पूछा गया है, कम से कम 4-5 बार और पूछा गया फ्लिपर ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन पे। माया तो अगर आपको पता है, थोड़ा सा अंदाजा है, तो ये आपको कर सकते हो, ठीक है। तो दो क्वेश्चन पूछे गए थे इस साल, इवोल्यूशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। मैंने इसलिए दिखा दिया ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया रहे कि क्वेश्चन आ कैसे रहे, ठीक है। और बाकी जब क्वेश्चन करवाएंगे तो साथ में करवा देंगे आपको। बाकी वो जो 2019 से पूछा गया था, होमो हैबिलिस, क्रैनियल कैपेसिटी, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस और नियंडरथलिस, ठीक है, ये पूछा गया था, ठीक है। माया तो आपको पता है होमो हैबिलिस कितना होता है, होमो हैबिलिस का 650 से 650 से कितना 800, है कि नहीं? और इरेक्टर से कितना बताया था आपको, है 900, ठीक है। और अगला हमारे पास जो है नियंडरथल कितना था, बस ये मैथ्स का लेना था और कुछ है नहीं इसमें। एक क्वेश्चन और था, मैंने आपको बताया होगा, करेक्ट ऑर्डर पूछा गया था, ये खैर पुराना क्वेश्चन है, जो मैंने आपको डायग्राम बनाया था जब प्रोजेनिसर वाला बताया था, सीट फन वाला, तो लेफ्ट साइड पे हमने एक ईरा बताया था, उसको बताया था पॉलन मदर सेल से याद कर लेना, क्या मतलब, पैलोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक, पैलोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, ये ऑर्डर है, ये भी पूछा गया है, इस टर्म में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगा। अब कल से मैं सोच रहा हूँ 3-3 साल का क्वेश्चन करवा दूँ, है ना, एटली जो चल रहा है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, पढ़ाए ढेर सारे क्वेश्चन, 2-3 पूछे गए हैं, ठीक है। मैं आपको काम ये करूंगा कि जो है साथ साथ क्वेश्चन भी कराते चले, 4-5 साल को करवाई दें 18 तक, 2019 से पैटर्न पूरा चेंज हुआ है, 2019 तक पूरा करवा देंगे, ठीक है, जो भी चैप्टर खत्म हो कुछ क्वेश्चन भी, ताकि आप लोग आइडिया रहे क्वेश्चन आ कहाँ से है, किस टाइप, ठीक है। अब देखो आगे, देखो बच्चे आपको मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, वो वाला निरेनबर वाला, मार्सन निरेनबर, याद है, भूल ही गए होगे तुम लोग कौन खाएगा, आओगे हैं, पहले बताओ फिर खिलाएंगे, हाँ बताओ बताओ बोलो, मार्सन निरेनबर याद है आपको, क्या खास बात है, डीएनए में रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये बात सबसे पहले किसने बताया, मिसेसन एटाल ने, किसने, मिसेसन एटाल ने, कब बताया, 1958 में, समझाया, वेरी गुड। और किस पे काम किया था, ई कोलाई पे, उन्होंने लिया था अमोनियम क्लोराइड, क्या लिया था, अमोनियम क्लोराइड, कोई बच्चा पूछ रहा था इसमें से, ठीक है, हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात, ये तो कह रहे हैं एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, हाँ बताया क्रिक ने था, ये नहीं कह सकते, ये बताया था वाटसन और क्रिक ने, डबल हेलिस मॉडल में है, वाटसन क्रिक दोनों का है, अगर आपसे पूछे सेंट्रल डोगमा तो वहां पर क्रेडिट जाएगा सिर्फ क्रिक का, लेकिन पूरा क्रेडिट जाएगा किसका, वाटसन और क्रिक का, क्लियर। और एक्सपेरिमेंटल प्रूव करके दिखाया था इसका रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव,
होता है, याद करो मैंने अमोनियम क्लोराइड बताया था वहां पे, और क्या बताया था, एक बात खास बात बताई होगी, वो भी क्वेश्चन पूछा गया है, है? हाँ, वहां हमने ये बताया था कि एक 20 मिनट लाइफ साइकिल होती है, 20 मिनट डिवाइड कर जाता है, तो एक से कितने बने थे, 20 मिनट बाद, दो, दो से, चार से, आठ से, 16 से, 32 से। खास बात ये बताई थी कि हर जनरेशन में हाइब्रिड हमेशा दो ही होता है, उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी क्या बनेंगे, प्योर 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 पैरेंटल। क्लियर हुआ? अब हमने क्या बताया आपको, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ये बताया था। एग्जाम में क्या दे दिया, एक की जगह 10 दे दिया, एक की जगह, तो 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, कुछ माया। और उन्होंने दिया था, आई होप, तीन जनरेशन तक दिया था, तीन जनरेशन तक। तो आप ये देखो, 10 से 20 बने, यहां देखो 10 से कितने, 20 से कितने, 40 से कितने, 80। आई होप 60 मिनट बाद पूछा था, कितने मिनट बाद, यहां कितने मिनट बचे, यहां कितने, यहां कितने, तो 60 जब कितने बन जाएंगे, 80। कितने, 80। जब हमने ये बताया था कि जब एक से दो बनते हैं, ठीक है, और दो में क्या बताया था, इसमें जो पूरे पूरे हाइब्रिड होते हैं, उसके बाद जब जाएगा तो हमेशा दो ही हाइब्रिड होता है, तो दो तब लिया था जब एक लिया था, जब 10 ले लेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 80 में से 20 कैसे हो गए, हाइब्रिड। तो बचे कितने प्योर वाले, 60। यही पूछा गया था, कितने ऐसे हो जो प्योर फॉर्म में होंगे, प्योर फॉर्म मतलब N14 वाले, कुछ माया, यही क्वेश्चन था। हम कोई तरीका है, कैसे भी कर सकते हो, वही तो है ना, हमने एक से बताया, इन्होंने 10 कर दिया, अब 10 क्या कह रहे हैं, मैं 100 कह रहा हूं कि 100 कर दे, अगर मान लो यही 10 करके जगह क्या कर देते, 100 कर देते मान लो, और यही चीज लेके चलते हैं, तो कितना हो जाता है ये, 800, 800 होता है क्या, कितना होता है, 800 जाता है। अब 800 लेते तो 200 कैसे जाते, तो कितने बच्चे प्योर वाले, बस वही कहानी है पूरी। एक बात और सुनो, हमने बताया डीएनए की जो लंबाई है वो कितना होता है, 2.2 मीटर। जब 2.2 मीटर होता है तो कितने बेस पेयर होते हैं, 6.6 × 10⁻¹। क्लियर बच्चे, ये होता है जब 2.2 मीटर होते हैं। इस बार क्या पूछ लिया, 1.1 मीटर में, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है क्या, और जब इसको आधा किया तो ये भी आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 3.3 × कुछ लोग इसमें मैथ लगा रहे थे, मैथ लगा सकते हो, मैथ भी लगा सकते हो, अगर मैथ लगाना हो और नंबर आप क्या पता करना हो, बेस पेयर पता करना हो, तो एक ही तरीके बताया था, डिस्टेंस की डीएनए की लंबाई पूरी अपॉन टोटल दो बेस के बीच में कितना डिस्टेंस, कितना होता है, 0.34 × 10⁹, क्या 9 की माइनस नाइन, 0.34 की बात कर रहे हैं, हाँ एंगस्ट्रॉम बोल सकते, 0.34 × 10⁻¹ नैनोमीटर, माया नैनोमीटर की जगह 10⁻¹ कर दिया है, ये 0.34 नैनोमीटर भी कर सकते हो, बस माया 0.34 नैनोमीटर, ये लिख सकते हो या इसी को आप लिख सकते हो 0.34 × 10⁻¹ क्या -9, ये भी लिख सकते हो। एक तरीका ये है कि अगर आपको थोड़ा सा ये पता हो कि 2.2 मीटर डीएनए होता है, ठीक है, तो डायरेक्टली आपका आंसर था, देखो अगर इसका आधा है तो ये भी आधा कर दो, ठीक। और सुनो, ये पूछा गया 2021 में और ये पूछा गया 2022 में, मारा है? अब क्या क्वेश्चन आने वाला है, 2.2 है, मैं इसको कर देता हूं 4.2, कितना, 4.4, अगर 4.4 मीटर हो जाए तो क्या होगा बताओ, है 12.0, तो डबल कर दिया ना, डबल मतलब कितना हो जाएगा, इसका डबल कर दो 13.2 हो जाएगा, कोई दिक्कत, मैथमेटिक्स है क्या, अब ये आने वाला इसका नंबर है भाई, 4.2 पूछा 2021 में, 22 में आया 1.1, तो अब क्या आएगा, ये आएगा, समझ गए, लाइन से लगा हुआ है, समझ गए। और सुनो, अगर मान लो कोई
अनएक्सपेक्टेड दे दिया जाए, अनएक्सपेक्टेड दे जाए तो क्या करोगे? देखो ये तो मान लो आपको पता है कि 2.2, लेकिन तो क्या करोगे आप? डीएनए की लंबाई लिखो, वो आपको दिया रहे कितना, मान लो डीएनए की लंबाई है सपोज दैट इसे कितना देखो 2.2, तो मैंने बताया था आपको। अच्छा इसी की बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे इन्होंने 1.1 दिया था तो क्या करोगे आप इसको देखो, ये 1.1 अपॉन 0.34 इंटू 10 की पावर -9, इसको सॉल्व कर लेना, ये निकल आ जाए कितना लगभग इसी के आसपास आएगा। एक तरीका तो ये कि सॉल्व करो फिर निकालो, और एक तरीका ये है कि आपको खटाखट याद है निकलिए तुरंत, जो आपको पसंद हो कर लो। आया नारा? तो कहने मतलब ये यहाँ पे ये है कि अगर मान लो आप भूल जाओ कभी, तो आप सिंपल से डीएनए की लंबाई लिखो जो भी दिया हो एग्जांपल, हो सकता है कोई आर्टिफिशियल भी दे दे वो, तो आप डीएनए की लंबाई ऊपर लिखो और दो नाइट्रोनस के बेस के बीच में डिस्टेंस हमेशा हमेशा यही रहता है, ये नहीं बदलता है। अगर बदलेगा तो वो भी देगा कि दो ये डीएनए है इसमें दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस इतनी दी हुई है, ठीक है? तो क्या करो आप टोटल लेंथ से उसको डिवाइड कर दो, ये क्या निकल के आ जाएगा टोटल नाइट्रोजनस बेस इतने आ जाएंगे। ये तो कुल मिला के ये है कि नया क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है? ये जो क्वेश्चन आया हुआ है इसी में तोड़ मरोड़ के तो आपको क्वेश्चन आपको दे देंगे, ठीक है? बस दिमाग खोल के रखना है, घबराना नहीं है, आप लोग घबरा जाते हो, दिक्कत ये है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या था, अगर किसी को बच्चे को पता है 2.2 मीटर डीएनए होता है, ये पता होना चाहिए, अब पता लगा यही नहीं पता है। 2.2 मीटर डीएनए है उसमें इतने होते हैं, इसका आधा ही तो है, जब इसका आधा पूछे तो यहाँ भी आधा कर दो, 6.6 का आधा कर दो 3.3 हो जाएगा, उसमें कुछ करना नहीं था। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको पता है तो फॉर्मूले लगाओ इसमें, थोड़ा फिजिक्स भी लगा दो, 1.1 अपॉन 0.3, किसी का भी डीएनए दिया हो उसकी लंबाई ऊपर लिखो और नीचे दो बेस के बीच के डिस्टेंस लिखो, नॉर्मली यही होता है, डिवाइड मार दो यही निकल के आएगा, कर लेना इसको, ठीक है? तो ये समझ में आया? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे पहले भी पूछा गया ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं पहली बार पूछा गया, ये भी रिपीट किया, लेकिन हाँ वहां पे दिया गया था 80 मिनट के बाद पूछा गया था, लेकिन वो एक ही से पूछा गया था, इस बार क्या कर दिया उन्होंने 10 से, मुझे लग रहा है इस बार पूछा चाहिए 100 से, 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, समझ में आया? तो 100 से करें, समझ में आया? तो 800 हो गया, 800 क्या करेंगे, 200 कैसे हो गए? हमेशा एक ही चीज याद रखना, मैंने उस समय बताया था कि जब एक से ऐसे हाइब्रिड बनते हैं, जो हर जनरेशन में हाइब्रिड हमेशा दो ही बनता है, कितने बने उनमें से उसको माइनस कर दो, जो बचेगा, हमने बताया था 16 जब बनते थे दो कैसे थे हाइब्रिड, और मैंने कई जनरेशन तक रहा है, और 14 कैसे बनेंगे प्योर फॉर्म में, फिर हमने 32 करा दिया था, और 32 में 30 क्या थे प्योर, और दो कैसे थे, समझ गए? तो हाइब्रिड हमेशा दो ही होते हैं, वही पूछा गया इसमें, तो आपसे हाइब्रिड पूछ सकता है या कहेगा प्योर फॉर्म बताओ कितने होंगे, कर लोगे? ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, बस आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आप कर ले जाओगे, इसे कुछ है नहीं, बस इसी के आगे पीछे रहेगा, इसे 2.2 से 1.1 आया, हो सकता है आपको यहाँ पे 4.4 हो जाए इस बार, समझ गए? और कोई बिल्कुल रैंडमली दे देता है जिसके चांस बहुत कम है, तो आपके पास ब्रह्मास है ना ये, ठीक है? डीएनए पूरी लंबाई अपॉन दो नाइट्रोजन बेस के डिस्टेंस, जो नॉर्मली आपको यही रहता है, ये लिखना है। अगर नया कुछ होगा तो देगा, हमें थोड़ा ना आता है कि पालो पूछ लिया, कोई चीटी है उसको बताओ कितने नाइट्रोजन बेस होगी, अगर लंबाई डीएनए कितनी हो तो हमें क्या पता, नहीं पता ना, वो देगा वो आपको, ऐसे नहीं देगा, तो नॉर्मली यही होता है कि यही आपको डेटा देता है, तो ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, ठीक है? ये मैंने पूरा बता दिया है, डीएनए की दो बेस की लंबाई कितनी होती है, पूरे एक टर्म में कितना लंबाई होती है, कितना डिग्री होता है सिंगल में पूरे में, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी आसान है, तो आपको ध्यान से देखोगे क्वेश्चन पूरे कर ले जाओगे। बस एक ही चीज यहाँ पे है, ईश्वर साहब ये मैं आपको सारा बता दूंगा, क्लिक के लिए लड़का पूछ रहा था, तब मैंने कहा यार इसको मैं करा ही दूं, फिर जाकर अब जो क्वेश्चन चलते जाएंगे 2 साल का क्वेश्चन करा ही दें, है ना, 2022 और 2021। आप ही पूछे चाहे जिसान पूछा था ना, क्यों जिसान यही था ना, यही था ये, उसमें जब पढ़ाया था उसमें कहा बताएंगे इसको, ये सब चीजें हैं। अब हो सकता है 10 कर दे और 1 से करे, तो आपको 1 तो मैंने बता ही रखा है, लेकिन 1 से कई बार पूछ चुका है इसलिए अब 1 नहीं पूछ रहे, अब ये 10 पूछ रहे हैं, और इस बार क्या पूछेंगे, हो सकता है 100 पूछ ले आपसे, कर लोगे? ओके बच्चे, कर लोगे सबके सब, कोई दिक्कत नहीं, सबको करके आना, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे मिलेंगे आप। बाकी हम आपको क्वेश्चन जब कराएंगे तो इसके बारे में और बताएं डिटेल में, इसी और ध्यान दो, थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है, पहले क्या होता था ये लोग जो है पूछते थे इसमें कौन सा सही है
जिनमें से तीन जो गलत होते थे और एक सही होता था, और हम लोग सही चीज पढ़ते थे तो तुरंत टिक कर जाते दिमाग में, अच्छा ये होगा। अब क्या कर रहे हैं लोग, अब लोग चार ऑप्शन दे रहे हैं और चारों सही दे रहे हैं, बस हाँ ब्रांच अलग कर दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना सिलेक्ट पर मार्केट क्वेश्चन कहाँ डाल दिया, जेलेटो कोर्सेस में, ये कर दे रहे हैं। अब आपको लिए थोड़ा दिक्कत पड़ जाएगी क्योंकि आपने सही पढ़ रखा है, आप कोरिलेट नहीं कर पाओ तो गलत कर दोगे, कन्फ्यूज जाओगे, यहाँ पे ये दिक्कत इस समय आ रही है। मैं सब कुछ सही दे रहे हैं, ये पूछ रहे हैं इस ब्रांच से रिलेटेड बताओ कि सही है कि गलत है। मैं चीजें इसमें जैसे अभी एक क्वेश्चन और भी है, अब ये करवाएंगे, जो पहले इसको पढ़ा दे तब मैं करवाता हूँ, जो आज वाले क्वेश्चन में आपकी जब वो आपको पढ़ा लेंगे, अगर आप मान लो आज पढ़ा दिए इंसुलिन तो मैं करवा दूंगा अभी, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। देखो यार, और ये बाबा जरूर ध्यान रखनी है, सुपर हीरो है बार बार टपक रहा है, जिसको ना याद हो अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है, बोल मत जाना क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, देखो अच्छा इसमें पढ़ेंगे क्या, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, किसानी है ना, पढ़ने लिखने के बाद हम लोग डॉक्टर बन जाएंगे, फिर क्या करेंगे गार्डन, अरे किसानी नहीं करेंगे, हद हो गई, गार्डन बनाएंगे, बड़ा सा मकान बनाएंगे और सामने क्या बनाएंगे, एक गार्डन बनाएंगे, उस गार्डन में क्या करेंगे, किसानी करेंगे। देखो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन, और किसके बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर और मेडिसिन, साथ साथ में ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर कोई बाहर का जीन उसमें डाल दिया जाए तो क्या बन जाता है, ट्रांसजेनिक, इसको जीएम क्रॉप या जीएम ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, जीएमओ भी बोलते हैं, क्या जीएमओ भी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और साथ में क्या है, इथिकल इशू, ठीक है, यानी कि इथिकल इशू मतलब होता है, इसको कह सकते हैं जो नैतिक कर्तव्य, नैतिक जो प्रॉब्लम होती है बस में कुछ, यानी समाज से अलग हट के जो गलत काम करता है, उसके अलावा उसमें जो केस आते हैं उसको हम लोग बोलेंगे किसमें, इथिकल इशू में, मतलब क्या कहते हैं, इथिक्स की बात कर रहे थे आपको, जैसे हम लोग बताए थे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात कर रहे थे, तो तीन रीजन थे क्यों बचाए उसको, पहला रीजन था हमारा फायदा है डायरेक्ट, दूसरा क्यों बचाए उसको बोला था हमने ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, दूसरा बताया था नॉन-यूटिलिटेरियन, हमारे छोटी मानसिकता, हमारा उससे फायदा है तो हम बचा रहे हैं, नहीं फायदा तो नहीं बचाएंगे, और तीसरा था हमें उससे फायदा हो चाहे ना बताएंगे ना हो लेकिन हमें उसको बचाना है, वो है इथिकल में आता है, ठीक। देखो आप कह रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एज यू वुड हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर एसेंशियली डील्स विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल, मतलब मेडिसिन की बात करें, देखो बायो फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिसिन, आप पढ़ोगे तो यहाँ पे फार्माकोलॉजी पढ़ो सारे मेडिसिन के बारे में, देखो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या है, और बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में, जैसे फंजाई हो गया, प्लांट हो गया, कोई एनिमल हो गया, ठीक। इसके अलावा कह रही कि जो अप्लीकेशन है इसका यूज है बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, थेरेपेटिक, थेरेपेटिक मतलब क्या होता है मेडिसिन में, इसमें मेडिसिन में, ठीक। देखो अब कह रहे कि यहाँ पे डायग्नोस्टिक किसी बीमारी को पता करने, जैसे आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग इलाइजा, पीसीआर सब पढ़ेंगे, ठीक है, और ये हम लोग हो गया, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप पढ़ेंगे जीन थेरेपी, वो सब क्या है डायग्नोस्टिक यानी बीमारी को पता करने के, ठीक। यहाँ देखो इसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, कुछ क्रॉप हैं जैसे कि बीटी कॉटन हो गया, गोल्डन राइस हो गया, फ्लेवर सेवर हो गया, सुना है फ्लेवर सेवर क्या है, टोमेटो है, गोल्डन राइस क्या है, चावल, चावल तो है ही है, विटामिन ए काफी ज्यादा होता है कि नहीं, ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होते हैं, किसके लिए, एग्रीकल्चर। प्रोसेस फूड, कुछ फूड के बारे में बच्चे की एल्कोहल हो गया, एल्कोहल कैसे किया गया, फर्मेंटेशन बनाया गया, इसको बोलते हैं प्रोसेस फूड, क्या बोलेंगे प्रोसेस फूड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। बायोरिमेडिसन, इसको बोलते हैं कि जो जैविक कंपोनेंट है, बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट बनती है, गन्ने का वो बच गया, सपोज दैट जब गन्ने का जूस निकल जाए बचता क्या है, लकड़ी बचती है, उस लकड़ी से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं बायोरिमेडिसन, उसको और भी चीजें करना, ठीक। देखो वेस्ट ट्रीटमेंट, जो वेस्ट ट्रीटमेंट है उसको कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, एंड एनर्जी प्रोडक्शन, और एनर्जी प्रोडक्शन में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया, क्रिटिकल मतलब जरूरी है, तीन ऐसे एरिया है बायोटेक्नोलॉजी में जहाँ पे काफी ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत अभी भी है, ठीक। कौन कौन से, जरा देखो, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म
यूजली ए माइक्रोब आर प्योर एंजाइम। मतलब क्या, देखो एंजाइम क्या बच्चे, एंजाइम क्या है, प्रोटीन। और इस प्रोटीन को कोड करने वाला क्या होगा, कोई आरएनए होगा। वो आरएनए किसने बनाया होगा, डीएनए ने बनाया होगा। कुछ बात समझ, वही कह रहे हैं यहाँ पे कि जो इसके लिए हमें प्योर एंजाइम बनाना है, ठीक है, प्योर फॉर्म में, उसमें कोई तरह से किस तरह से कोई इसमें इन्फेक्शन ना हो, वो चीज़ है। हम दूसरी बात कर रहे हैं, देखो कह रहे हैं कि क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन। अब क्योंकि ये एंजाइम आपने बना लिया या प्रोटीन बना लिया, लेकिन ऑप्टिमल कंडीशन ही नहीं है, जैसे में इसमें आपको ठंडी लग रही है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। क्यों ऐसा होता है, कभी सोचा क्यों होता है? क्योंकि आपका एंजाइम इम्प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। हमारी बॉडी को टेम्परेचर चाहिए 37 डिग्री, और हमारी बॉडी क्या करता है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर कितना है, मान लो उसमें 11 डिग्री है या 12 डिग्री है, 15 डिग्री है। तो ये क्या होता है, अब ये अलग बात, बॉडी इसको कंट्रोल कर रही है, क्योंकि हम लोग कैसे आते हैं, पाइक्लोथर्मिक, होम्योथर्मिक, होम्योथर्मिक है, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं, है ना। तभी दिक्कत नहीं, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन से हमारी बॉडी इसको मेंटेन करके रखती है, ठीक है। लेकिन दूसरे आगे जब में क्या, टेम्परेचर कम हो गया, तो उनकी बॉडी मेटक में, देखो मेटक का टेम्परेचर भी नीचे चला जाएगा, है कि नहीं। तो हमारी बॉडी इसको टेम्परेचर रेगुलेट कर लेती है, लेकिन हमारी बॉडी को मशक्कत करनी पड़ रही है अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने में, इसलिए हम लोग थोड़ा डिस्टर्बेंस होती है। देखो तो कह रहे क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन, तो एंजाइम के लिए जो ऑप्टिमम कंडीशन, जो ऑप्टिमम पीएच, जो आपने मैंने बताया था पीएच का टेम्परेचर ग्राफ, कैसे बताया था, बेल से बताया था, घंटी जैसा बताया था, ये बताया था हमने, देखो ये ऐसे था, और ये ऑप्टिमम कंडीशन थी। ऑप्टिमम कंडीशन के पीछे जाओगे, टेम्परेचर कम होगा तब भी और ज्यादा होगा तब भी, उसकी एक्टिविटी एंजाइम क्या होती है, कम होती जाती है। एंजाइम एक्टिविटी कम होगी तो हमारी बॉडी में जो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग को दिक्कत होती है। देखो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, याद रखो। तीसरा देखो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस इंक्लूड तीन बातें बताई थी हमने, पहला, और मैंने बताया इसको हॉट स्पॉट टिक कर लेना है, पूछा जाता है ये क्या है, है? क्या 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 क्या, सेपरेशन एंड सम टाइम प्रिजर्वेशन, तीनों पूछा गया था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें कौन सा सेंटेंस जो है डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड क्या है, गलत है। पहला ऑप्शन सेपरेशन, दूसरा प्योरिफिकेशन, तीसरा प्रिजर्वेशन, चौथा एक्सट्रैक्शन, ऐसे दिया गया था। कौन हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस की बात करें, उसके बाद आपने जो चीज बना ली है, एंजाइम बनाया, कुछ भी बनाया, प्रोडक्ट बनाया, आप क्या करोगे, इसको प्योरीफाई करोगे, क्वालिटी देखोगे। यहाँ देखो टेक्नोलॉजी टू प्योरीफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये तीन चीजें हैं जहां पे आप काफी ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत अभी भी है। Let us now learn how human beings have used biotechnology to improve the quality of human life, especially in the field of food production and health. अब कह रहे हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज जो हम लोग कर रहे हैं मानव के कल्याण के लिए कर रहे हैं, ठीक है। उसकी क्या नाम है, फूड का, जैसे ह्यूमन लाइफ जैसे क्या है, खासकर कहाँ पर किया गया, फूड प्रोडक्शन और हेल्थ में। तो हेल्थ सेक्टर में और फूड प्रोडक्शन में काफी ज्यादा यूज किया गया, जैसे कि समय आ रही इंसुलिन, याद है पहले जो इंसुलिन आते थे साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा थे, आपके इंसुलिन में साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि बनाए जाते किससे, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं ह्यूमन बीइंग जो हैव यूज बायोटेक्नोलॉजी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी के लिए, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ। तो ज्यादातर हम लोग जो पढ़ना है फूड प्रोडक्शन के बारे में, साथ में हेल्थ के बारे में। अगला देखो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, सबसे पहले हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर, पीछे बताया था। अब कह रहे हैं यहाँ पे लेट अस टेक अ लुक एट द थ्री ऑप्शन That can be thought for increasing food production. तो तीन तरीके हैं जिससे फूड का प्रोडक्शन आप बढ़ा सकते हो, तीन तरीके हैं मेनली। क्या देखो, पहला बताया गया एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, मतलब फर्टिलाइजर का यूज करके, जैसे आप सोडियम पोटेशियम डीएपी जानते ही हो, फर्टिलाइजर। आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से फूड का प्रोडक्शन कितना हो गया, 3 गुना बढ़ गया था, और ये बेसिकली किसके वजह से था, फर्टिलाइजर का यूज करके। नो डाउट कि सेमी ड्वार्फ वैरायटीज जया रत्ना सोनालिका कल्याण सोना SD1553 SD1542 ये भी सिर्फ बनाए गए, इसकी वजह से फूड का प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन वो बहुत ही क्या था, पार्शियल था, बहुत ही कम था। ज्यादातर जो बढ़ा है किसकी वजह से, फर्टिलाइजर का यूज करके। तो अगर हम फर्टिलाइजर का यूज करके खेती करते हैं तो उसको बोलते हैं एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है। उसमें ये बायोटेक्नोलॉजी पार्ट है नहीं है, खेत में चुपचाप खाद डाला
उसे प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है, लेकिन दिक्कत क्या होगी, उसकी जो फर्टिलिटी पावर है धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कुछ मैं ये चीज़ है, आप देखो तो पहला तो ये हो गया जो कि बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है। तो आप फर्टिलाइजर का यूज करके आप फूड का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। और क्या तरीके देखो, अगला हमारे पास है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करके आप जो है फूड का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। जैसे किया था रमेश चंद डागर ने, क्या कौन सी खाद यूज किया था उन्होंने, रमेश चंद डागर नाम सुने, सोनीपत हरियाणा, भूल गए कहां रहने वाले थे, सोनीपत सोनीपत हरियाणा। और इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट किया, क्या क्या किया था बताओ, याद है किसी को है? किसान वेलफेयर का फाउंडेशन किया था, कितने लोग हैं इनके मेंबर है, 5,000 की 500 5,000। यहां देखो तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर सकते हो, यानी कि जो हरी खाद होता है गोबर की खाद उसको बोलते हैं क्या, हरी खाद, ग्रीन मैन्योर, उसका यूज करके आप फूड का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। लेकिन पता ही आपको इससे क्वालिटी तो बढ़ जाती है लेकिन क्वांटिटी नहीं बढ़ती है। मैं कुछ ये चीजें यहाँ पे, तो दो तरीके हो गए, एक तो फर्टिलाइजर का यूज करके, दूसरा हरित खाद को। हालांकि ये जो बात तो ये होता है हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, नुकसान नहीं करता, लेकिन लोग इसको यूज ही नहीं करते। हाँ, अपने खाने के लिए लोग अभी भी इसको यूज कर रहे हैं, इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग। दूसरा देखो, यहाँ पे जिसने रमेश चंद डागर पढ़ा होगा उन्होंने क्या किया था, याद है रमेश चंद डागर, एक थे हमारे अहमद खान, याद है, भूल गए, पॉलीब्लेंड बिटुमेन, याद है। यहां देखो उसकी तरफ क्यों इशारा कर रहे हो, यहां देखो अगला हमारे पास क्या, तीसरा कह रहे जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। वास्तव में यही जो है तीसरा वाला है, यही बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, तीसरा वाला है, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो तीन तरीके से फूड का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, पहला फर्टिलाइजर का यूज करके एग्रोकेमिकल बेस, दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग करके हरित खाद का यूज करके, और तीसरा जो हमारे पास है जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। तीन तरीके हैं जिनमें से बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट यही होता है हमारा। ठीक, देखो अब कह रहे ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई। ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसकी वजह से फूड का प्रोडक्शन कितना हो गया, तीन गुना, कितना, तीन गुना हो गया। ठीक, बट इट वॉज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। लेकिन जो लगातार ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसको अब हम अभी भी नहीं खिला सकते, उसको कमी पड़ रही है, अभी भी खाने की कमी पड़ रही है, इतना बढ़ाने के बाद भी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, दिन दुगना रात चौगुना, यहाँ देखो, तो इसलिए लेकिन अभी भी खाने की कमी पड़ रही है। अब क्या कह रहे हैं देखो, इंक्रीज यील्ड हैव पार्टली बीन ड्यू टू द यूज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटी। क्या कह रहे देखो, कह रहे कि जो इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटी हमने यूज किया है, जया रत्ना कल्याण सोना बताया हमने, इसकी वजह से फूड का प्रोडक्शन बढ़ा है, नो डाउट, लेकिन बहुत ही कम बढ़ा है, पार्टली मतलब बहुत ही बड़ा इतना सा, मैं ज्यादातर किससे बढ़ा देखो, इम्प्रूव्ड वैरायटी, बट मेनली किससे बढ़ा देखो, ड्यू टू द यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ एग्रो केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। फर्टिलाइजर डीएपी हो गया, नहीं यूरिया हो गया, है कि नहीं, और पेस्टिसाइड मतलब जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं उनको मारने के लिए हम लोग दवा छिड़कते हैं, उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड। इससे हमने पेस्टिसाइड को मार दिया, पेस्ट नहीं लगे, खाद को बढ़ा दिया तो नाइट्रोजन कंटेंट मिनरल बढ़ गया, किसमें, प्लांट में, दोनों तरह से क्या हो गया, फूड का प्रोडक्शन बढ़ गया। देखो आगे, हाउएवर फॉर फार्मर इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, हम लोग कहां कौन से देश में रहते हैं, डेवलप की डेवलप, डेवलपिंग, विकास की विकासशील, है विकासशील, विकसित देश जैसे कि अमेरिका हो गया, यूएसए है ना, कनाडा, ये सब क्या है, ये डेवलप कंट्री में आते हैं। कह रही जो हम लोग रहते हैं डेवलपिंग वर्ल्ड में रहते हैं, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, ये किसमें आते हैं, डेवलपिंग कंट्री में। यहां देखो बात नहीं करो, ये जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वहां पे जो एग्रो केमिकल होता है वो काफी महंगे होते हैं, और खासकर इस समय तो जीएसटी लग गया है, पहले कहां लगते थे, नहीं लगते थे, अब जीएसटी लग गया, उस पर टैक्स अलग से लग गया, 18% अलग, 5% अलग, किसान तो ऐसे ही मर जाएगा, वो खेत वो खाद लाने के लिए 10 बार सोचेगा। कह रहे हैं ये जो है डेवलपिंग कंट्री में इस फर्टिलाइजर को खरीदना काफी महंगा होता है, उसमें
वो खरीद नहीं सकता है, दिक्कत क्या देखो। एंड फर्दर इंक्रीजेस इन यील्ड विद एग्जिस्टिंग वैरायटी आर नॉट पॉसिबल, एंड फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विद एग्जिस्टिंग वैरायटीज आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग। एक तरीका तो देखो क्या दिक्कत है, फर्टिलाइजर वो खरीद नहीं सकता है और हरी खाद से प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकता है, दिक्कत किसके लिए, किसान के लिए। उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो खाद खरीद के लाए और खेत में डाले, प्रोडक्शन बढ़े तो जाके मार्केट में बेचे तो कुछ आमदनी हो। अब वो हरी खाद अगर घर का डालता है, गोबर वगैरह खाद डालता है, तो उससे तो क्वालिटी तो बढ़ जाएगी लेकिन क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी, तो उसको उतना फायदा नहीं होगा, जितना लगाया नहीं उतना ज्यादा नुकसान हो जाएगा उसका, ठीक है। ये दो दिक्कतें उसके साथ आ रही है। देखो आगे, तो कन्वेंशन मतलब वही परंपरागत जिसको हरी खाद को ला के डालते थे लोग, उसकी बात कर रहे हैं। इज देयर एनी अल्टरनेटिव पाथ दैट अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक कैन सो दैट फार्मर में ऑप्टेन मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम देयर फील्ड, यानी क्या कोई दूसरा तरीका है जिसके वजह से जो किसानों का जो फूड का प्रोडक्शन है वो बढ़ सके, ठीक है। कुछ जेनेटिक कुछ कर दें, यानी हेरिडिटी कुछ कर दें या जेनेटिक में कुछ चेंज कर दें। इज देयर वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे फर्टिलाइजर का यूज कम से कम कर दिया जाए और केमिकल का यूज कम से कम करें, सो दैट देयर हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट आर रिड्यूस्ड। कहने कि ये किसानों के लिए महंगा ही नहीं है, ये जो अनाज खाता है फर्टिलाइजर वाले उसको भी नुकसान करता है, आदमी खरीद तो लेता है लेकिन ये नुकसान भी करता है, दोनों दिक्कतें हैं। एक तो किसान खरीद नहीं सकता, दूसरा अगर कोई डालता भी है, इससे जो फूड का प्रोडक्शन होता है फर्टिलाइजर वाले, इससे किसानों को नुकसान, मतलब सॉरी जो भी खाएगा अनाज उसको भी नुकसान होता है, तो नुकसान सबको है, जो खाएगा उसको भी, जो किसान उसको यूज करेगा उसको भी। यहाँ देखो तो वही करिए इसके, और कह रहे एनवायरमेंट आर रिड्यूस, आपको याद करिए वाटर लॉगिंग एंड सॉयल सैनिटी इज अराइजेस ड्यू टू द इसके सिविलाइजेशन ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, याद है आपको बताया था आपको इकोलॉजी में, वाटर लॉगिंग एंड सॉयल सैनिटी, खाद का ज्यादा यूज करने से साल्ट कंसेंट्रेशन बढ़ गया था, किसमें, सॉयल में, जिसकी वजह से फूड का प्रोडक्शन खत्म हो गया था, पूरा वहां की जो सॉयल हुई क्या होगी वो इनफर्टाइल हो गए कह सकते हो, बस में कुछ तो वो भी चीज दिक्कत हुई ग्रीन रिवॉल्यूशन की, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन वहां बताया गया, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से ये दिक्कत आ रही है कि जो साल्ट कंसेंट्रेशन बढ़ गया इसके फूड प्रोडक्शन खत्म हो गया बिल्कुल, खेत जो है बंजर हो गई, तो वहां सिर्फ ग्रीन रिवॉल्यूशन बताया गया था लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन में फर्टिलाइजर का यूज करके किया गया था, ये चीज यहाँ पे बताई गई है। तो फर्टिलाइजर इसके साथ यूट्रोफिकेशन, याद है जो पानी होगा जो नदी वगैरह होगा, ठीक है, वो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे क्योंकि वहां पे फर्टिलाइजर वगैरह केमिकल वगैरह काफी ज्यादा उसमें इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज ए पॉसिबल सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ये पॉसिबल सोल्यूशन है। देखो प्लांट बैक्टीरिया फंजाई एनिमल, क्या क्या देखो, करीब प्लांट हो बैक्टीरिया हो फंजाई हो एनिमल हो, वो जीन हैव बीन अल्टर्ड, इसका जीन बदल दिया गया हो बाय मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन मतलब आदमी के द्वारा, फंजाई का प्लांट का बैक्टीरिया का एनिमल का अगर जीन बदल दिया गया हो आदमी के द्वारा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या GMO लिखा हुआ है, ठीक है, इसी को GMO बोलते हैं। ये डिफिनेशन पूछी गई है क्या होता है वास्तव में, ठीक है, तो कोई प्लांट हो एनिमल हो या कोई ऑर्गेनिज्म है का जो जीन है वो मैनिपुलेट कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है, इसी को बोलते हैं GM ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे GM प्लांट, जैसे BT कॉटन, कॉटन की वैरायटी है, बस में उसमें किसका जीन डाल दिया गया है, बैसिलस थुरिंजेंसिस, ये क्या है बैक्टीरिया, उसका डाल दिया गया जीन, तो जाहिर सी बात वो भी क्या बन गया, कॉटन भी क्या बन गया, GM प्लांट बन गया, है कि नहीं। देखो कह रहे कि GM प्लांट हैव बीन यूजफुल इन मेनी वेज, जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या क्या चीजें होती है, ठीक। अब देखो यहाँ पे पहला कह रही कि मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट, अगर हम जेनेटिक मॉडिफाइड कर देते हैं किसी ऑर्गेनिज्म तो उससे क्या होता है, टू एबायोटिक स्ट्रेसेस कोल्ड ड्रॉट सॉल्ट और हीट, अगर उसमें बाहर कोई जीन डाल देते हैं तो उससे कोल्ड यानी बहुत ठंड हो गई तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है किस पे, फसल पे, सूखा पड़ गया तो उससे फसल बर्बाद नहीं होता है, और क्या देखो साल्ट कंसेंट्रेशन जो बताया था अभी उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता है, साथ साथ बताया कि हीट टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाए, इसी समय टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो उससे भी फसल के प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस में कुछ, तो ये फायदे होते हैं, तो फायदा ही हमारे पास है ना। देखो तो पहला फायदा तो ये हो गया कि इससे होने से वजह से हमारे जो इन्वायरमेंटल चेंजिंग है उसके वजह से हमारा फसल खराब नहीं होता, पहला फायदा तो ये है। दूसरा फायदा देखो कि रिड्यूस रिलायंस, रिलायंस मतलब होता है निर्भरता डिपेंडेंसी, ठीक है,
रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, और इसकी वजह से हमारी जो किसान है उनका फर्टिलाइजर पे डिपेंडेंसी वो भी खत्म हो जाता है, अब उनको फर्टिलाइजर के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। समझा? क्योंकि अब जो डाल दिया गया वो जेनेटिक क्रॉप हो गया, इनको एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो उसको अलग से उनको फर्टिलाइजर खरीदने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे, तो रिड्यूस रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, इस तरीके से फर्टिलाइजर उनको खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखो दूसरा फायदा, तीसरा देखो क्या है, यानी किसानों को भी फायदा और जो इसको खाएगा गेहूं चावल आटा जो भी होगा तो जो खाएगा उसको भी वो फायदा करेगा, नुकसान नहीं होगा। देखो हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, आपने देखा होगा गांव में अक्सर देखा होगा, खासकर जब गेहूं की कटाई होती है, देखा मई जून में होती है जब गेहूं कटाई होती है तो उसमें जो उसकी बालियां बोलते हैं याद है, देखो ये देखो ये गेहूं की बालियां हैं। ठीक है, अक्सर ये टूट टूट के नीचे गिर जाती जमीन में, पता है सर, क्योंकि ये बहुत हार्ड हो जाता है, सूख जाता है पूरी तरीके से, हल्का सा झटका लगता है टूट जाता है, तो काफी ज्यादा वो खेत में ही गिर जाती है उठाते उठाते, और जहां पे मशीन होती है जहां पे इसको कटाई की जाती है जिससे गेहूं निकाला जाता है, ठीक है, थ्रेसर मशीन जो भी होता है, वहां पहुंचने से पहले काफी कुछ नीचे गिर जाता है क्योंकि इसकी डंठल कमजोर होती है, हल्का झटका लगता है ये निकल जाती है। तो देखा हो गांव में कुछ लोग होते हैं इसको बिनते भी है ना, हम लग जाते हैं कि भाई साहब काफी गेहूं गिर गया है इसको उठा लो, काफी ज्यादा निकलता है। ठीक, देखो इसकी डंठल कमजोर होती है, ठीक है, डंठल काफी कमजोर होता है और कमजोर होने वजह से क्या हो जाता है ये टूट जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि अगर यहां देखो हेल्प टू रीच पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, तो इसमें ऐसे जीन डाल देते हैं जिसके वजह से ये डंठल जो है मजबूत हो जाता है, जिसके वजह से ये आसानी से नहीं टूटता है, इसको सिर्फ मशीन में डालोगे तभी टूटेगा, उसमें तो ये फायदे हो गए, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कटाई के बाद होने वाले नुकसान। देखो आगे अगला हमारे पास क्या, देखो इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूजेस, अब देखो यहाँ पे बाय प्लांट एंड दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉस्टेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ सॉइल, किसी सॉइल में मिनरल का लेवल एक फिक्स अमाउंट में होता है, किसी सॉइल में मिनरल का लेवल फिक्स अमाउंट में होता है, सो बोलते क्या है आयुषी, किसी सॉइल में मिनरल का लेवल एक फिक्स अमाउंट में होता है सो क्या बोलते हैं, हो रही है बताओ कांचा, ऐसा किसने बोल दिया इसे बताओ, तगुन आवाज आई दे लड़कों तरफ, बताओ शीतल एनसी कहाँ थे बच्चे, बीच में गैप हो गए थे, अच्छा तुम आती हो तो दोनों लोग गैप हो जाते हैं, जब वो आती थी तुम गैप हो जाती, क्या चक्कर है, माजरा क्या है, अच्छा ठीक है सॉरी बताओ, है स्टैंडिंग, बिल्कुल सही स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट, ठीक है, वही यहाँ पे कह रहे, देखो कह रहे कि इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, प्लांट जो है जितना प्लांट को जरूरत रहता है सिर्फ उतना ही मिनरल लेगा, जितना प्लांट को जरूरत रहेगा सॉइल, क्योंकि सॉइल में क्या है जो मिनरल्स हैं उसका अमाउंट क्या है फिक्स है, ठीक है, लेकिन अगर प्लांट जो है बहुत तेजी से खींचना शुरू कर देगा तो कुछ दिन के बाद एक ही फसल ले पाओगे, अगली फसल के लिए उसमें मिनरल ही नहीं रहेगा, तो फसल का प्रोडक्शन होगा नहीं होगा, एक ही बार के बाद खेत जो है बंजर हो जाएगी, इसलिए जो ये प्लांट होते हैं इनको ये मिनरल को उतना ही लेते हैं जितना इनको जरूरत होता है, बिल्कुल वैसे जैसे कि शेर जंगल में हिरन का उतना ही शिकार करता है जितना कि वो खा सके, अगर सोचो अगर एक दिन निकला उसका यही टारगेट, उसका टारगेट कभी हिरन को मारना नहीं होता है, उसका टारगेट हिरन को मार के खाना होता है, और एक हिरन है शेर वो कितना खा पाएगा, मान लो एक हिरन को खा लेगा उसका पेट बढ़ जाएगा, उसके अलावा दूसरे हिरन को वो जब शिकार तभी करता है जब उसको भूख लगती है, पेट भर गया शिकार नहीं करता, लेकिन मान लो एक दिन निकले और सारे हिरन को मार दे तो क्या वो जिंदा रहेगा, शेर भूख के मारे मर जाएगा, ऐसा नहीं कि उसके बाद दूसरे दिन चले हम तो वेजिटेरियन हो गए हैं आज से मूली सब्जी खाएंगे हम, ठीक ऐसा होगा क्या, शेर ने रिजाइन दे दिया कि भाई आज हम नॉनवेज बंद, जीवों की हत्या बंद, आज से हम प्योर वेजिटेरियन हो जाएंगे, क्यों कांचा, और फिर वो साग सब्जी खाने लगेगा, ऐसा करेगा नहीं करेगा, शेर मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, डायलॉग सुना ही होगा, देखो अब देखो यहाँ पे क्या है, मतलब ये कहने का ये जो प्लांट होते हैं नॉर्मल प्लांट क्या करते हैं, अगर मिनरल्स देखते तुरंत जाके उसको एब्जॉर्ब कर लेते, तुरंत टूट पड़ते हैं उस पर, लेकिन ये क्या करते हैं जितना इनको जरूरत होगी सिर्फ उतना ही यूज करेंगे, इससे क्या फायदा है, इससे फायदा ये है कि मिनरल्स जो है वो खेतों में मेंटेन रहता है, देखो बाय प्लांट दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉस्टेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इससे कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है जल्दी से खत्म नहीं होती है, अगर इसको नहीं पढ़ो तो इसका उल्टा मीनिंग निकलेगा,
इधर से खींच भी रहा है, ऊपर से पॉजिटिव मेंटेन हो रही है, इसलिए इसको ध्यान समझिए इस चीज को, ठीक है। आप क्या कह रहे, देखो यहाँ पे पांचवा, इतने फायदे हो गए। अगला देखो पांचवा, एनहेंसमेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड, और खास खास जो आप अभी तक क्या कर रहे थे, फर्टिलाइजर यूज करके खेतों में जो गेहूं वगैरह था उसमें देखा जाए तो जहर रहता था, उससे नुकसान ही होता था। अब कह रहे हैं कि जो ये फूड है इसमें नुकसान तो नहीं है, इसका और फायदा मिल जाए क्या। जैसे यहाँ देखो फूड में प्रोडक्शन आपने क्वालिटी बढ़ा दी, जैसे कि गोल्डन राइस, मार्क कर लो ये कई बार पूछा गया है, गोल्डन राइस विटामिन ए, चावल बनाई गई है जिसमें विटामिन ए रिच होता है। नॉर्मल तौर पे जो आपका राइस होता है उसमें विटामिन ए नहीं पाया जाता, हाँ बी पाया जाता है, B1 थियामिन वगैरह रहता है, लेकिन ए विटामिन नहीं पाया जाता है। अब क्या कर दिया गया, इसको जेनेटिक मॉडिफाइड करके अब जो चावल आने लगे हैं उसमें विटामिन ए कंटेंट भी आने लगा, कुछ माया। तो इससे क्या होगा कि कोई मान लो जो भी खाएगा चावल, अब चावल गेहूं रोटी अगर इंडिया की बात करें, खासकर नॉर्थ इंडिया में जहां ज्यादातर खाना क्या है, रोटी कॉमन ही कॉमन है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, रोटी तो बनता ही है, चावल कॉमन ही कॉमन है, चाहे अमीर गरीब चावल, हाँ क्वालिटी लोग अगर बदल जाते हैं लेकिन चावल हर कोई खाता है। दूसरा हमारे पास क्या है, दाल, ठीक है। तो दाल भी, ये तीन चीजें तो बेसिक फूड है, उसी की बात कर रहे हैं कि जब ये पता है कि बेसिक फूड सबके उसमें आता है तो उसी में कुछ ना कुछ क्वालिटी बढ़ा दे ताकि ये क्वालिटी सबको मिले। यहाँ देखो तो गोल्डन राइस हो गया और विटामिन ए हो गया इन दिस राइस। पूछा गया इसमें क्वेश्चन आता है कि भाई एक पर्सन है और उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो गया है, तो क्या खिलाओगे, गोल्डन राइस की बिरयानी खिला दो, नहीं गोल्डन राइस की बिरयानी है कि नहीं, सोने कटोरे में भीख मांगो, यहां देखो बात नहीं करो, हो गया। अरे बच्चे हो गया, इसमें कोई चीज जो समझ नहीं आई हो, आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, ध्यान। ये सारे फायदे किसके हैं, किसके फायदे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के फायदा है कि नहीं है। इससे किसको फायदा है, किसान को है कि पब्लिक को है, दोनों को है, किसान को पैसा नहीं लगेगा, पब्लिक को हेल्दी डाइट मिलेगी, माया ध्यान रखिएगा। और देखो यहाँ पे इधर देखो, इधर देखो उधर ध्यान कहाँ है, इधर देखो, इन एडिशन टू दिस यूजेस जीएम हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्स टू इंडस्ट्रीज। व्हाट इज द टेलर मेड, जस्ट लाइक टू सेविंग द कपड़ा, कपड़ा सिलने वाला टेलर, नो, ऐसा प्लांट जिसके बहुत सारे फायदे हो, ऐसा प्लांट जैसे नीम, सुबह उठे तो नीम तुम्हारा नहीं, नीम नहीं चलता दतून तुम्हारा, सुबह उठे दतून निकलता है, दतून से लोग ब्रश करते हैं, ठीक। दूसरा उसकी पत्तियां लोग गर्म करके जो उसको फोड़े पुंसी होते हैं उसमें लगाते हैं, उसकी छाल जो होते वो निकालते हैं, तो चारों तरफ से फायदे फायदे किसके, नीम के, ठीक। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, तो नीम के प्लांट, ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल के प्लांट जो होते हैं जिनको आगे चल के और बढ़ावा देना वो कहलाता है टेलर मेड। क्या कहलाते हैं, यानी कि मल्टी यूज जो है उसको बोलते हैं टेलर मेड। यहाँ देखो इसके बहुत सारे फायदे हो उसको बोलते हैं टेलर मेड। यहाँ देखो टेलर मेड मतलब बहु उपयोगी बोल सकते हैं हिंदी में, बहु उपयोगी। यहाँ देखो इन एडिशन टू दिस यूजेस जीएम हैज बीन यूज्ड क्रिएट टेलर मेड, मतलब एक ही प्लांट उससे ज्यादा सारी खूबियां आ जाए। मान लो ऐसा कोई आ जाए नीम की पत्ती सब्जी बनाना शुरू कर दे, कैसा रहेगा, है कि नहीं, ऐसा बनाए तो दवा भी काम करे, सब्जी भी बनाओ, और उसकी लकड़ी दतून ले जाओ, उसकी भी सब्जी काट के बना लो, नहीं उसका जूस निकालना शुरू कर दे। यहाँ देखो अब कह रहे कि प्लांट टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्स टू इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च कैप्सूल टेबलेट, इसे बनाई जाती है, इसमें स्टार्च का यूज होता है, मैं कुछ साथ साथ फ्यूल्स यानी लकड़ियां और फार्मास्यूटिकल। नीम का जैसे देख लो, इससे दवा भी बनती है, एजिरेस्टिका का इंडिका पता, इसमें केमिकल होता है उसको बोलते हैं एजिरेस्टिन, क्या बोलते हैं एजिरेस्टिन। यहाँ देखो तो ये केमिकल से बनाया जाता है, खासकर जो फोड़े पिंस जाते हैं उसके लिए, साथ साथ में जो होते हैं कौन वंस होते हैं जैसे एस्केल्मेंथिस के मेंबर होते हैं पास में, इस सिनोपोडियम यूज किया जाता है, अरबंडा जोल इसके, लेकिन साथ साथ नीम का आयल भी यूज किया था। देखो फार्मास्यूटिकल ये मेडिसिन में फ्यूल यानी कि लकड़ी बनता है, उससे जलाने के लिए यूज कर लिया, साथ साथ में स्टार्च इससे टेबलेट और कैप्सूल भी उसकी कोटिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं। खैर तो ऐसे प्लांट जिसे कई सारे फायदे हो उसको बोलते हैं टेलर मेड। क्या बोलेंगे, कह रहे कि सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल्स आर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट,
एक फायदा क्या है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट को बनाना। देखो जैसे कि बीटी है ना, बीटी कॉटन क्या है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है बीटी कॉटन, विच वुड बी डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज। इससे फायदा क्या है, हम लोग पेस्टिसाइड का यूज करना बंद कर देंगे। जब उसमें कीड़े लगेंगे नहीं तो हम पेस्टिसाइड क्यों यूज करेंगे, क्योंकि किसान पागल है कि पैसे खर्च करके पेस्टिसाइड लेके आएगा उसमें आया और दिन भर छिड़केगा नहीं, तो ये कह रहे हैं कि पेस्टिसाइड का यूज इससे कम हो जाता है। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय ये बैक्टीरिया, मार करो बैसिलस थुरिंजेंसिस, ये भी कई बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटी शॉर्ट बोलते हैं, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखो अभी तो कहानी बता रहे थे आप, देखो यहाँ पे है आपका जो गोल्डन राइस, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये गोल्डन राइस, बहुत कॉमन है, विटामिन ए काफी ज्यादा है। ठीक है, ऐसे फ्लेवर सेवर भी होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन बता दो उसके बारे में, टमाटर की वैरायटी है। पहले होता क्या था, पहले टमाटर जो होते थे काफी रेड होते थे, आपने देखा भी काफी बदलाव हुआ होगा, जो लोग गाँव के जानते होंगे, गाँव में टमाटर होते थे खासकर मई जून के महीने में बिल्कुल रेड हो जाते थे, और रेड होने के बाद वो मुश्किल से एक या दो दिन रुकते थे, उसके बाद आप जहां पे रखोगे वहीं पे वो दब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, गल जाएंगे पूरा। तो होता क्या था, मान लो यहाँ पे यूपी से भरा टमाटर और महाराष्ट्र भेजना है, महाराष्ट्र पहुंचने में 5 दिन लग गए, यहाँ बेचते थे टमाटर वहां बनता था चाशनी, मैं वहां निकलते थे चाशनी पूरा उसका, वो निकलता था चाशनी बोलते क्या बोलते उसको, सॉस है ना, सॉस है ना, यहाँ से भरते थे जब वहां खोलते थे ट्रक को तो सॉस निकलता था। ठीक है, इससे दिक्कत क्या होती थी, किसानों को दिक्कत होती थी कि भाई साहब हमने भेजा टमाटर पहुंचा क्या वहां पे सॉस है ना, तो ये दिक्कत होती थी। यहाँ देखो आप कह रहे हैं यहाँ पे अब उसमें बीटी जीन, सॉरी उसमें अलग से जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया गया फ्लेवर सेवर को, जिसकी वजह से जो टमाटर होता है उसकी लाइफ बढ़ गई, कैल्शियम पिक्टेट को मजबूत कर दिया गया। अब टमाटर को आप 1 महीने तक रखे रहो वो खराब नहीं होता। ठीक, देखो इसी बोलते फ्लेवर सेवर। यहाँ देखो बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन फ्रॉम द बैक्टीरिया, इसको बैक्टीरिया से निकाला गया है, एंड बीन एक्सप्रेस इन प्लांट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट विदाउट द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड। तो बीटी टॉक्सिन जो ये केमिकल है, जो बीटी जीन जो होता है, अब चूंकि ये बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिंजेंसिस, तो इसके अंदर बीटी टॉक्सिन केमिकल बनाने वाले क्या होंगे, बीटी जीन होगा, तो उस जीन को हमने डाल दिया किसमें, प्लांट में। तो प्लांट में डालने की वजह से क्या होगा कि वो जो प्लांट जब होगा तो उसके अंदर क्या बनेगा, जीन है यानी डीएनए है, डीएनए क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन, फिर क्या होगा ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन क्या बनेगा प्रोटीन यानी बीटी टॉक्सिन बनेगा, और ये टॉक्सिन क्या करेगा, कोई एक पेस्ट आएगा जैसे ही खाने की कोशिश करेगा खाएगा लेकिन दोबारा फिर खाने लायक नहीं बचेगा, मर जाएगा, और गलती जिंदा रहेगा तो आगे जाके अपने मोहल्ले में बताएगा मत खाना उसको, हम खाए देखो आधे मर गए हम, ऐसे बोलेगा, दूसरे कीड़े उसके पास आएंगे तो वो नहीं खाएंगे, कुछ माया इस तरीके से उससे बच जाता। खैर ये तो वो तो देखो इन इफेक्ट क्रिएट ए बायोपेस्टिसाइड, क्या बोलते हम लोग बायोपेस्टिसाइड, एग्जाम्पल क्या देखो, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो और पोटैटो, साथ साथ में सोयाबीन, ये सब बीटी की वैरायटी है, बेटी के नहीं बीटी की। ठीक है, यहाँ देखो सोयाबीन, अब हम लोग बात करते हैं बीटी पे, बीटी वर्ड कहाँ से है पता है ना, बैसिलस थुरिंजेंसिस, ऐसे मैंने एक बैक्टीरिया बताया आपको याद करिए, जहां से निकला था टैग पॉलीमरेज, याद है कौन सा, हाँ थर्मस इक्वेटिकल से। देखो यहाँ पे ये टॉपिक बच्चे जो खासकर इंपॉर्टेंट है ध्यान देना, ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता है क्वेश्चन, देखो क्या है, कह रही बीटी कॉटन सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस थुरिंजेंसिस प्रोड्यूस प्रोटीन, ध्यान रखिएगा बैसिलस थुरिंजेंसिस के सारे बैक्टीरिया जो है ये टॉक्सिन रिलीज नहीं करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रिलीज करते हैं, यहाँ देखो प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट, जो सर्टेन इंसेक्ट को मार देता है, जैसे कि लेप्टोप्टेरेंस, ठीक है लेप्टोप्टेरेंस क्या है, ये ऑर्डर है, क्या है ये है ऑर्डर, पॉलीमोनियल्स क्या था इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर कर्मलेसी और सोलेलेसी का, यहां देखो, यहां देखो लेप्टोप्टेरेंस टोबैको बडवर्म और आर्मी वर्म, क्या टोबैको बडवर्म और आर्मी वर्म, ठीक है देखो पहला ऑर्डर क्या बताया, देखो लेप्टोप्टेरेंस, दूसरा क्या है देखो सिलोप्टेरेंस, कौन सा सिलोप्टेरेंस, ये सब ऑर्डर है बच्चे, क्या है किसके ऑर्डर है इंसेक्ट के, किसके इंसेक्ट के, जैसे डिप्टेरा था किसका ऑर्डर था हाउसफ्लाई मस्का,
यहाँ देखो मत लगाना, देखो सिलोप्टेरा में क्या है, देखो बीटल्स एंड डिप्टेरेंस, याद करिए डिप्टेरेंस, सॉरी ये जो सिलोप्टेरा था इसमें क्या था, बीटल्स, बीटल मतलब गुबरेला, क्या गुबरेला। तीसरा जो बच्चे है वो क्या है, डिप्टेरा, डिप्टेरा कौन आते हैं, फ्लाइस और मॉस्किटो, फ्लाइस मतलब मक्खी, कौन सी घरेलू मक्खी, मतलब ये क्या है, जितने भी ऑर्डर बताए पहले ध्यान रखना ये इंसेक्ट का ऑर्डर है, किसका, और इंसेक्ट किस में आता है, आर्थ्रोपोडा, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखना है कौन से ऑर्डर में कौन सा आगजम पाया जाता है, ये भी जरूरी याद करना है, ठीक। जैसे देखो, जैसे हम बात करें, यहां देखो लेप्टोपेरेंस लिखा हुआ है, क्या है लेप्टोपेरेंस, ठीक है, टोबैको बर्डवर्म और आर्मी वर्म, ठीक है, तो इसको आप जो है याद करोगे ही गड़बड़ कर दोगे, देखो लेप्टोपेरेंस, लेप्टोपेरेंस में क्या क्या बच्चे, देखो देखो क्या है, टोबैको बटवर्म और आर्मी वर्म, ये वास्तव में है क्या, टोबैको बटवर्म, यह है कीड़े लेकिन नाम देखो आर्मी, यहां देखो और दूसरा क्या, देखो आर्मी वर्म, देखो हाँ बच्चे क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, देखो क्या हुआ, देखो ये बच्चा एल, ये लिखा टी, ये लिखा ए, ये बन गया अल्टो, ठीक है, ए बोले तो आर्मी वर्म, एल बोले तो लेप्टोपेरेंस, टीओ बोले तो टोबैको, याद रहेगा, दूसरा हमारे पास सिलेप्टेरेंस, क्या है सिलेप्टेरेंस, ध्यान की ध्यान रखिएगा है क्या, ये ऑर्डर है, इसमें मात्र एक ही दिया है बीटल, बीटल से कितनी वैरायटी बताओ, बोलो कितनी है, सब भूल गए, सब भूल गए, गुबरेले की कितनी वैरायटी है, 1,20,000, बहुत सही, इन्वर्टी वेट थे ये, 20,000, 3,00,000, क्या बच्चे, भूल कैसे गए, कितना है ऑर्किड की, देखो बता रहा पीछे से, शर्म नहीं आती है, इतना पानी लो, बाकी हम नहीं कहेंगे, देखो तीसरा, डर और डिप्टेरेंस, अगर पूछे मॉस्किटो का ऑर्डर क्या है, मॉस्किटो का ऑर्डर क्या है, ये कहीं नहीं दिया है, यहां दिया है, माया तो लिविंग बर्ड का क्वेश्चन यहां से उठा के वहां चिपका सकते हैं, माया ध्यान रखना, ये नहीं कह सकते कि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, मॉस्किटो का ऑर्डर क्या पचला, डिप्टेरा, बीटल का ऑर्डर क्या है, सिलेप्टेरा, है ना सिलेप्टेरेंस, और टोबैको बर्बर आर्मी वर्म, ये तो नहीं है, टोबैको बर्डवर्म है तो कौन हो जाएगा, लेप्टोपेरेंस,
को ध्यान रखिएगा। बात हो गया, देखो इधर टिपरे तो आपको पता ही हाउस फ्लाई है, इसमें क्या बनाना है नहीं, ठीक है। तो अल्टो याद रखिएगा और सिलोप्टेरेंस और बीटल्स में बीसी याद रखिएगा, बी बोले तो बीटल और सी बोले तो सिलोप्टेरेंस, ऐसे याद करिएगा ठीक है। बिफोर क्राइस्ट है ना, एडी और बीसी एनोडोमनी याद करिए, वैसे बताया था। आदमी कब से जानता था जेनेटिक्स के बारे में कि जेनेटिक्स का रीजन कहीं ना कहीं राज कहां छुआ हुआ हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कब से? 1000 से 10000 BC, ये था है? कब खाली हो गया? देखो यहाँ एक रिवाइज रीजन छोड़ दो, कब खाली, यहां देखो इधर इधर पहली चीज तो इधर बात नहीं करो बच्चे मेरे। बीटी किसको किसको मारता है? देखो इधर लेप्टोपटेरेंस वाले ऑर्डर को, जैसे कि टोबैको बट वन और आर्मी वन, सिलोप्टेरेंस वाले ऑर्डर को जैसे कि हैं बीटल यानी कि गुबरेले। हाँ देखो अगला हमारे पास क्या है, डिप्टेरेंस। कभी गुबरेले चलते हुए देखा है? कभी देखा चलते हुए कि पहले आगे चलता है फिर पीछे चलता है, बैक गियर लगाता रहता है, है? गुबरेला। देखो बीटल्स की बात करते हैं, देखो आपके एनसीईआरटी पहले वाले एनसीईआरटी फ्रंट पेज बना हुआ, देखो डिप्टेरेंस देखो क्या है, फ्लाइज और मॉस्किटो, क्लियर, फ्लाइज और मॉस्किटो, कोई दिक्कत? देखो मैं लिखवा तो रहा हूँ कई सालों से कि क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ रहे हैं उसमें, लेकिन कभी भी आ सकता है सिलेबस तक। इधर देखो इधर हम ये मान चलते हैं कि एनसीईआरटी में कहीं से भी क्वेश्चन उठा के आ जाएगा, ठीक है। खैर देखो क्या पता यहीं से आ जाए, हाँ लेकिन ये जो कॉलम है ये बहुत सस्पेक्टेड, इसमें क्वेश्चन आता ही आता है क्या। देखो तो ये हम लोग बात कर रहे थे बच्चे, देखो कह रहे कि जो बैसिलस थुरिंजियंसिस होता है ये प्रोटीन बनाता है, क्रिस्टल, प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग पार्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ, ठीक है। जैसे हमने बताया था मोनार्क बटरफ्लाई का, याद बताया था, याद करिए मोनार्क बटरफ्लाई को चिड़िया नहीं खाती है, क्यों नहीं खाती सगुन, टेस्टी नहीं है, मजा नहीं आता है, क्या होता है? हाँ बोलो बताओ, ऐसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है, और ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड इसके अंदर कहां से आया, जैसे कि कैलोट्रोपिस उसको खाती थी, वो जहर उसके अंदर भर गया है, और जो चिड़िया उसको खाती थी एक बार खाएगी तो सबको बता रही यार बहुत टेस्ट खराब है, मत खाना उसको, यहाँ देखो कुछ चिड़िया इसको नहीं खाती, यहाँ देखो दिस क्रिस्टल कंटेंट टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, और जो क्रिस्टल होता है वो टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है इंसेक्ट को मारने वाला। व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल, क्वेश्चन आता है कि अगर इसके अंदर जहर है तो जहर इसको क्यों नहीं मार देती, किसको, बैसिलस थुरिंजियंसिस को, क्योंकि वो होता है इनएक्टिव फॉर्म में, कैसा, इनएक्टिव फॉर्म में। व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस, एक्चुअली बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस एग्जिस्ट प्रोटीन एग्जिस्ट एज ए इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, किस फॉर्म में होता है ये, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन फॉर्म में होता है, बट वंस एन इंसेक्ट डाइजेस्ट, जब कोई इंसेक्ट इसको खाता है उसके बॉडी के अंदर जाता है तो क्या होता है, देखो जो इनएक्टिव टॉक्सिन होता है इट इज कन्वर्टेड इंटू एक्टिव फॉर्म, ठीक है, ऑफ टॉक्सिन। ऐसा क्यों होता है बच्चे, क्योंकि यहाँ पे जो पीएच होता है किसका, इंसेक्ट का जो खाता है, ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच ऑफ द ग्रोथ, ये इंपॉर्टेंट है नोट कर लेना इसको, ये पूछा गया कई बार, तो एसिडिक पीएच देंगे, न्यूट्रल देंगे, क्या देंगे, एल्कलाइन, तो पीएच कैसा होता है बच्चे, गट, तो जो इसका गट होता है यानी कि इंटेस्टाइन होता है उसका पीएच कैसा होता है, एल्कलाइन, और आपके स्टमक का पीएच कैसा है, एसिडिक, और इंटेस्टाइन का पीएच कैसा है, एल्कलाइन। हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है ड्यूडेनम जेजुनम इलियम मित्र कैसा है इसका, एल्कलाइन, तो इंटेस्टाइन कैसा है, एल्कलाइन, और स्टमक कैसा है, एसिडिक, कितना पीएच होता है, 1.8, सबको याद तो बैठे हुए, देखो यहां पे ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच ऑफ गट व्हिच इज सोल्युबलाइज द क्रिस्टल, जब एल्कलाइन पीएच मिलता है तो जो क्रिस्टल इनएक्टिव फॉर्म में था सोल्युबलाइज हो जाएगा, वो क्या करेगा, देखो एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ द मिडगट, याद रखिएगा इंसेक्ट के तीन लेयर बताएंगे, अभी बताया नहीं, काकरोच पढ़ाएंगे आपको, काकरोच सिलेबस में है, मेढक और अर्थवर्म सिलेबस में नहीं है, तो वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक माया। तो आप जब काकरोच पढ़ोगे, काकरोच नहीं आर्थोपोडा पढ़ा होगा आपने, फोरगट मिडगट और हाइंडगट, तीन पार्ट में डिवाइड होता है, फोरगट मिडगट और हाइंडगट, किसको इन्फेक्शन करेगा,
मेडगट को तोड़ देगा, क्या करेगा, तोड़ देगा, उसके अंदर बहुत सारे पोर बना देगा, छेद कर देगा, कौन, ये क्रिस्टल, और छेद कर देगा मतलब क्या, वो जिंदा रहेगा, इंसेक्ट तो मर जाएगा। देखो यहाँ पे मिडगट इपिथेलियल सेल, उसके बाद क्या हो जाएगा, इंसेक्ट का जो खाने आया है उसका राम नाम सत्य हो जाएगा, ठीक, राम नाम सत्य हो जाएगा, क्या इंसेक्ट का कोई दिक्कत। तो बीटी टॉक्सिन जो होता है ये बैसिलस थुरिंजियस क्यों नहीं मारता, क्योंकि उसके बॉडी का पीएच जो होता है वो एसिडिक सॉरी एल्कलाइन नहीं होता है, इस वजह से एक्टिव नहीं होता है। मान लो एल्कलाइन हो जाए तो उसको खुद ही मार दे, है ना, क्रिएट पोर, छेद कर देगा बीच बीच में अंदर अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से फट जाएगा, काजेस सेल स्वेलिंग एंड लिसिस, लिसिस मतलब फट जाएगा, इवेंचुअली काजेस डेथ ऑफ द इंसेक्ट, जो इंसेक्ट खाएगा वो दोबारा खाने लायक नहीं बचेगा। अब देखो क्या है, क्योंकि ये बीटी टॉक्सिन क्या है, प्रोटीन, इस प्रोटीन बनाने वाला क्या होगा, एमआरएनए, और एमआरएनए बनाने वाला कौन होगा, डीएनए, डीएनए मतलब तो जीन, यहां देखो इधर देखो स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थुरिंजियंसिस, कहां से, बैसिलस थुरिंजियंसिस एंड इनकॉर्पोरेट इनटू द सेवरल क्रॉप प्लांट, कई सारे प्लांट में इसको डाल दिया गया। ये प्रॉपर्टी देखी गई भाई तो काफी अच्छा है, जैसे क्यों ना किसी प्लांट के अंदर हम डाल दें, देखो वही किया भी गया, देखो सच है, कॉटन, जैसे कॉटन डाला गया है कि द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन द क्रॉप, फिर कौन सा जीन कहाँ पे डालेंगे वो डिपेंड करता है कि फसल कौन सी है एंड द टारगेटेड पेस्ट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है मार्क कर लो, फिर कौन सा जीन डालोगे डिपेंड करता है कि फसल कौन सी है और उस फसल को नुकसान करने वाले कीड़े कौन से हैं। उसमाया क्यों ऐसा है, क्योंकि ये टॉक्सिन क्या है, प्रोटीन है, टॉक्सिन क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन मतलब एंजाइम, और एंजाइम क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, एक ही एंजाइम से सारा काम आप नहीं करा सकते, उसमाया तो पार्टिकुलर सब्सट्रेट के लिए पार्टिकुलर एंजाइम होता है, इसी वजह से बताया गया है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो च्वाइस आप जीन किस बार डिपेंड करती है कि फसल कौन सी है, किस फसल के लिए बनाना है और इसका टारगेट पेस्ट कौन सा है, ये ध्यान रखिएगा, आ सकता है आपसे। देखो दूसरी बात हो क्या है, एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप, ज्यादातर जो बीटी टॉक्सिन होते हैं वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है, ठीक है, द टॉक्सिन इज कोडेड बाई ए जीन, एक जीन से कोड किया जाता है, इसका नाम क्या है, क्राइजीन, क्या नाम है, क्राइजीन, ठीक है, टॉक्सिन कोडेड बाई ए जीन, ठीक है, इसको बोलते हैं क्राइजीन, ठीक है, क्या हुआ, क्राइजीन, देयर आर ए नंबर ऑफ देम, और एग्जाम्पल द प्रोटीन इंक्लूडेड बाई जीन क्राई फर्स्ट ए सी, याद देखो क्या लिखा है, क्राई फर्स्ट ए सी एंड क्राई सेकेंड ए बी कंट्रोल कॉटन बल्बवर्म, किसको, कॉटन बल्बवर्म, एंड दूसरा देखो जो क्राई फर्स्ट ए बी होता है किसको, कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है, ठीक है, किसको, कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है। अब कैसे करो, देखो यहाँ पे तो आपको करे बीटी जीन के लिए कौन सा जीन बताओ, क्राइजीन, कौन सा, क्राइजीन, पहले याद रखना। दूसरी बात देखो, जैसे मान लो यहाँ पे ए बी हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा ये फर्स्ट ए बी है और ये सेकेंड ए बी है और फर्स्ट ए सी है, ये देखो यहां देखो ए बी ए बी ए सी, देखो ये क्राई फर्स्ट ए बी है किसके लिए, देखो ये किसके लिए, कॉर्न बोरर, क्या ये पूछा जाता है, देखो कौन सा किसके लिए है, तो क्राई फर्स्ट ए बी किसके लिए, कॉर्न बोरर के लिए, बाकी जो दो बच्चा किसके लिए, कॉटन बोरर के लिए, ठीक है, कॉटन बॉलवर बोल सकते हैं इसको, बोरर नहीं बोल सकते, कॉटन बॉलवर, वो उसकी स्पेसीज अलग होती है, ठीक है, कॉर्न बोरर और कॉटन बॉलवर, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, कॉर्न बोरर के लिए एक ही है, कॉर्न बोरर के लिए एक ही है, क्या, क्राई फर्स्ट ए बी,
इसके लिए आप एक याद रखो, कौन सा? कॉर्न बोरर वाला। कॉर्न मतलब बोले तो पॉपकॉर्न, मतलब मक्का। मैं कुछ तो उसके लिए मात्र एक ही है, कौन सा? ए बी, क्राई फर्स्ट ए बी। इसके अलावा कोई भी मिले कौन सा आ जाएगा? कॉटन बोर्ड में ये पूरा याद होना चाहिए, ऐसे पूछा जाता है कि ये किसके लिए है। ठीक है, तो क्राई फर्स्ट ए बी सिर्फ कॉर्न बोर्ड के लिए, बाकी जो बचे वो कॉटन बोर्ड। एक याद रखो, बाकी डाल दो किसमें? कॉटन में। ठीक है, यहाँ देखो ये दिखाएगा, देखो ये है हमारा, इसमें देखो इसने जो है कॉटन बॉलवर ने इसमें देखो क्या डाल दिया, इसको होल कर दिया। यहाँ देखो क्या लिखा है, कॉटन बॉल यानी कि डिस्ट्रॉय बॉलवर्म, इसने जो है बॉलवर्म के द्वारा इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, इसमें छेद कर दिया गया। देखो और ये खाता ना तो इधर से खाएगा उधर से निकलेगा, उधर से खाएगा इधर से निकलेगा। इसके अंदर जो कॉटन होगा, कॉटन क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा, उसकी लुगदी निकलेगी, रेशा बना नहीं पाओगे। दूसरा देखो क्या है, ये फुली मैच्योर कॉटन बॉलवर्म, ये फुली मैच्योर कॉटन बॉलवर्म, ये है कॉटन, गद्दे बनाइए चाहे तकिया। ठीक, ये अच्छा सुंदर लग रहा है, इसमें इन्फेक्शन नहीं है, कुछ माया। तो इस तरीके से करेंगे, इस तरह से ये बनेगा। अब देखो ये इम्प्रूव होने के बाद बताया गया है, इसमें कोई दिक्कत? तो बीटी जीन को कोड करने वाला जीन कौन सा बताया? क्राई जीन। क्राई फर्स्ट ए बी किसके लिए? कॉर्न बोरर को मारता है। क्राई सेकेंड ए बी कॉटन को। क्राई फर्स्ट ए सी अभी तो याद है, दो दिन बाद पूछेंगे, देखो साफ हो जाएगा। टाइम हो गया, अरे वाह क्या धन्यवाद। ठीक है, ये सुनो इधर, एक ये वाला टॉपिक, इसके बाद वाला टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए थे इस बार। ठीक है, चलो यहीं तक करते हैं, बाकी नेक्स्ट करा देंगे। काफी मतलब उसमें बैठे हुए थे सर, छोड़ नहीं रहे हैं, लास्ट में बताना ही पड़ा सर, टाइम हो गया है। ठीक है बच्चे, जैसे करा देंगे उसको।